हेलो डियर टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूर्य स्कॉर्पियो प्लस टॉरस है। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए लव रिलेशनशिप वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल लेनी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स, एस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ वॉन्ट्स। तो टॉरस आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गुड लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो उन्हें उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग एक शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके। उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना चाहिए, समय और फ्लो के साथ चलना चाहिए क्योंकि यूनिवर्स ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते हैं, फॉरगिव नहीं करते, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे के लिए गले से लगाते हैं, ज़्यादा गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो जो उनकी जिस चीज़ के लिए उनकी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो उनकी दिली तमन्ना थी, जो उनकी मन्नत थी, जो अटकी हुई जो विश थी, वो कहीं ना कहीं इधर पूरी हो सकती है और कामयाब हो सकती है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। द मून, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सॉरी गाइस, पता नहीं आज एलर्जी सी बनी हुई है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो उन्होंने दुख तकलीफ दिया है, जिससे वो अभी भी जूझ रहे हैं, दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, समय के साथ वक्त के साथ धीरे धीरे करके वो जख्म भर जाएंगे, वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई माइंड गेम कोई मैनिपुलेशन ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। और क्योंकि अगर कोई सीक्रेट कोई राज कोई ऐसी बात है जो उनसे छिपाई जा रही है तो वो उनसे क्लियरली बातें करें, कोई भी राज कोई भी मिस्ट्री कोई भी रहस्य, क्योंकि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई सीक्रेट कोई राज कोई मिस्ट्री कोई रहस्य कोई छिपी हुई बात या तो सामने आ गई है या तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बाद में ये बातें सामने आएंगी तो उन्हें और कन्फ्यूज़न बढ़ेगी और दिक्कतें बढ़ेंगी, पनौती बाधाएं दिक्कतें आएंगी। तो वो चाहते हैं कि जो भी बात है वो अभी ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बजाय के बाहर वाले पर्सन के मुंह से कुछ सुने तो आपस में क्लियर करें, आपस में क्लियरिटी लाएँ ताकि रिश्तों में सुधार हो सके। और अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को समय और वक्त देंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा, नई बिगनिंग नई शुरुआत होगी। और जो रिश्ता रुक चुका है थम चुका है, चाहे उसमें समय लग सकता है वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बीच बीच में दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन रिश्तों में सुधार जरूर होगा, रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो ऐसा वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी राज कोई भी मिस्ट्री कोई भी सीक्रेट कोई भी छिपी हुई बात ना रखें, बजाय के बाहर वाले पर्सन से वो उन बातों को सुने, वो उनके साथ क्लियरिटी के साथ
बातें करें ताकि जो हर बात क्लियर हो जाए, जो बाधाएं, जो रुकावट, जो पनौती दिक्कत है वो खत्म हो जाए और एक दूसरे से माफी मांगते हुए रिश्तों में सुधार किया जा सके। तो देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। द हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन ने उनको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिस जख्म से वो अभी भी नहीं उबर पा रहे हैं, चाहकर भी वो विश्वास और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चुप हैं, खामोश हैं, समझदारी के साथ अपने विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। उनके साथ जो चीटिंग हुई है, जो फ्रेब, जो धोखाधड़ी हुआ है, उनसे वो उनको लग रहा है कि अगर वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे तो उन चीज़ों से उन्हें राहत मिलेगी। और चाहे उनके पर्सन ने उनके साथ कुछ भी किया है, फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी इस अंधकार का नाश होगा, कभी ना कभी ये अंधकार मिटेगा, उजाला होगा, रोशनी होगी, जैसे रात के बाद दिन होता है और दुखों के बाद धीरे धीरे करके सुख आते हैं, परेशानियों के बाद रिश्तों में सुधार, चीज़ों में सुधार होता है। तो उसी उम्मीद और उसी होप के साथ अभी भी उनको लग रहा है कि चाहे उन्होंने उनको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, वो उठेंगे, चलेंगे और फिर से नए सिरे से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे, ताकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जो जिसके लिए वो बेचैन है, बेकरार है कि कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब खुशियाँ आएंगी, तो उनमें धीरे धीरे करके सुधार हो और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लिया जा सके, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके, ताकि फिर से रुका हुआ रिश्ता, रिश्ते में सुधार हो सके। और वो ये महसूस कर रहे हैं कि वो मदरली हीलिंग करना चाहते हैं, प्यार और प्रेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उनको लग रहा है कि अगर वो इसको हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से ये प्यार और प्रेम फिर से बढ़ सकता है, फिर से वो परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं जो उनके साथ चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी हुआ था, जिस पर उन्होंने भरोसा और यकीन किया। लेकिन फिर भी वो इस उम्मीद के साथ कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, दोबारा से नए सिरे से इसमें शुरुआत करेंगे, तो फिर से सुधार हो सकता है, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आई हैं, वो समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म होंगी और रिश्ते में सुधार होगा। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो हम टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि आप अभी भी उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ता है, एक दूसरे से क्लियरली बातें होती हैं, तो रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ हो सकता है। तो इसलिए आप को आप चाहते हैं कि या तो आप उनकी तरफ लव ऑफ़र लेकर जाएं, या वो फिर आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आए, और आप ये भी चाहते हैं कि वो पैशन और जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन थोड़ा सा फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें, फ़ायदे और नुकसान को देखें, सोच परख कर चीज़ों को सोच परख कर आगे बढ़ाएं। तो क्योंकि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, वो चाहते हैं कि उन पुराने दिनों को याद करें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया है, उन बातों को, उन क्षणों को, उन पलों को जो एक दूसरे के साथ वो हमेशा करते थे, अच्छे लगते थे, खुशियां आती थी, एक वाइब्स आती थी, तो उन दिनों को याद करते हुए उन पुरानी बातों को, पुराने लोगों को, पुराने संबंधों को, वो इस रिश्ते को फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पर्सन को उन्हें
इस रिश्ते में एक मौका और देना चाहिए, या फिर आप उनको एक मौका और देने के बारे में आप चाहते हैं कि आप उनको एक मौका और दें, एक ये रिश्ता एक नया मोड़ ले, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आए और फिर से रिश्ता स्टेबल हो जाए, जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर हाल में ये रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने फैमिली और परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चाहे इस रिश्ते में कितनी ही नेगेटिविटी, कितनी ही परेशानियां क्यों ना रही हो। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द टावर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले सिंगल रहते हुए आपको अपना अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, अपने नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी प्रॉपर्टी उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, आपके पास पैसा प्रॉपर्टी होगा, जॉब बिजनेस होगा, तो धीरे धीरे करके रिश्ते अपने आप आगे बढ़ेंगे। और आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए। इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें क्लियरिटी के साथ अगर बातें होती हैं एक दूसरे के साथ, चाहे टॉरस को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, किसी को भी दुख हो, अगर क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो आगे बढ़ने में कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। और जो रिश्ता रुक चुका है, अचानक से जो रिश्ता रिलेशनशिप इतना अच्छा बन रहा था, रिश्ता शादी में कन्वर्ट होने वाला था या शादी या फिर अच्छे संबंध होने वाले थे, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता बनते बनते ख़त्म हो गया। तो यूनिवर्स ही आपको इसका आउटकम यूनिवर्स ही बताना चाह रहे हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, समय दीजिए, वक्त दीजिए। कई बार क्या होता है कि जो गुरूर होता है, जो अहम होता है कि हमारे बराबर कोई रिश्ता है ही नहीं, तो कई बार यूनिवर्स भी उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी आपके कार्मिक अकाउंट रहे हैं, जिनका आपको पता नहीं है कि पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, जिनको हर हाल में आपको सहन करना ही होता है, तो समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, धीरे धीरे करके जो आपके सेवन चक्राज हैं जो इम्बैलेंस हो चुके हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो धीरे धीरे करके जो समय देंगे, वक्त देंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार से प्रेम से अगर एक दूसरे से पेश आने की कोशिश करेंगे, तो रिश्तों में सुधार होगा। अगर दोनों तरफ से रिश्तों को इक्वल मानेंगे, बराबर मानेंगे, प्यार से प्रेम से पेश आएंगे, तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, वो बैलेंस आएगा और रिश्तों में सुधार होगा। धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, वो जो ऑब्स्टिकल हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो ख़त्म होंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले सिंगल रहते हुए अपने जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, तब आप आगे बढ़िए, तब क्लैरिटी लाइए और धीरे धीरे करके अपने आप ही वो परेशानियाँ ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं टॉरस पर्सन के लिए क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफंट एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप जगलिंग करना बंद कीजिए, जो आप जगल कर रहे हैं डिसाइड कीजिए। अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो जगलिंग करना बंद कीजिए, डिसीजन लीजिए कि आपको आगे बढ़ना है। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि फिर से, क्योंकि दोनों तरफ से ही ये आप एक मानते हैं कि ये रिश्ता आत्मिक है, सोलमेट हो सकता है। हो सकता है कि टॉरस या तो आप या
आपके पर्सन आगे जाकर इसमें शादी भी करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, जब से ये रिश्ता जुड़ा है आप कभी उनसे अकेले थे ही नहीं। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से प्रेम से आगे बढ़िए, एक बिगनिंग एक शुरुआत कीजिए। जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं, जो भी चैलेंजेस हैं, समय के साथ, वक्त के साथ खत्म होंगे, दुख के बादल हटेंगे और नए सिरे से ये रिश्ता एक बिगनिंग एक शुरुआत में कन्वर्ट होगा। ये रिश्ता स्टेबल होगा, शादी हो सकती है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन की मदद लेनी होगी जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, या जिसको आप अपना एल्डर मानते हैं, अपना सुपीरियर मानते हैं, क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पहले स्टेबिलिटी लाइए, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैर इस कंफ्यूजन से बाहर आइए जो आप इसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको रिश्ते में वापस आना है तो आपको किसी की हेल्प और मदद लेते हुए आगे बढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। और सॉरी।